तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने ये जहां बनाया। तमाम साथियों अस्सलाम वालेकुम, जश्न मना रहे हैं। जितना जज्बा आपके अंदर है उससे ज्यादा जज्बा हम लोग आपके साथ हैं, और आपके इस जज्बे की हम दिल की गहराइयों से कदर करते हैं, और आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं। तमाम हक परस्त आज आपके जुलूस को देख के फतह हासिल कर चुका है, और हमारे मुखालफिन भी अभी यहाँ से मुंह छुपा के चले गए। उन्होंने गवारा नहीं किया कि इधर थोड़ा इंतजार तो करें, अभी उन्होंने कुछ किनारे देखे थे, समंदर तो बहुत दूर था। सारे तीर भी अजमा लिए, सारे फटकंडे भी अजमा लिए, लेकिन पतंग को ना छू सके ना उसके डोर को छू सके। ये हक परस्त की आवाम थी। देखे हर चीज को, हर मुश्किल को पार करते हुए आपके दरमियान में, और हैदराबाद की आवाम, हैदराबाद के अंदर और कराची के अंदर और तमाम पाकिस्तान के अंदर आ बैठी है। एक साहब थे 2002 के अंदर जिसने अपने किताब के अंदर और अपना नारा लगाया था, ये किताब कुरान है, और आज उसको जन्नत की चाबी मिल गई। हम भी उलमाओं का दिल की गहराइयों से कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन ऐसे झूठे फतवे और ऐसे पटकंडे हम अपनी सियासत में नहीं लेके आते। हम जो हैं अवाम के सामने हैं, जो हमारा माजी है अवाम के सामने है, और फ्यूचर भी अवाम के सामने है। आप लोगों का और आपके जितने भी चाहने वाले, और हम आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं, हम आपके साथ थे, एक हैं और एक रहेंगे। मुत्तहिदा कल भी एक थी, आज भी एक है, और ये मुत्तहिदा पाकिस्तान आज देख लें कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ मौजूद है। ये तो एक सिर्फ छोटी सी कॉर्नर मीटिंग है जिसको जलसा बना दिया। अगर हमने अपने घर से हर एक को निकाला तो क्या होगा, हैदराबाद भी छोटा पड़ जाएगा। पीटीआई वालों को बल्ला चलाने का बड़ा शौक है, अगर जब गेंद ही नहीं चलेगी तो बल्ला अपने सरों पे चलाओगे। और एक ऐसी भी पार्टी है और उनको निशान भी ऐसा ही मिला, डोलमैन, डोलफेन, क्या क्या उसके नाम है, जो नाम हमसे नहीं आ रहा तो आवाम से कैसे आएगा, वो दिखने में ही नहीं आती, लेकिन पतंग हर एक के पास है, हर एक के दिल पर है, और फिजा के अंदर हमेशा ऊंची उड़ान पर ही रहती है। शेर शेर निकला था, वो कुत्ता बन के जेल में जाने वाला है। नामे रिसालत पर हमारी जान भी कुर्बान है, ये जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हक परस्त वाहिद वो जमात है जो दीन के काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। 12 रबी अव्वल का प्रोग्राम हो, 11वीं का प्रोग्राम हो, हर वो एक कारकुन अकीदन बन वो एमक्यूएम के अंदर मौजूद है। अभी हमने अपना जलसा शुरू करने से पहले, अपनी कॉर्नर मीटिंग शुरू करने से पहले चादर चढ़ाइए और दुआ किए हम मुखालफिन को दिखा दें कि तुम ही नहीं हो जन्नत के रखवाले, इधर हक परस्त की आवाम सबसे बड़ी जन्नत की रखवाली है। ये कुर्बानी हमारे शहीदों की है, ये कुर्बानी हमारे शहीदों की है, और पाकिस्तान बनाने में हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है। ये किसी के बाप के जागे नहीं कि वो जो हमसे छीन लेगा। ये पतंग कल भी मुत्तहिदा पाकिस्तान की थी, आज भी है, और ये हक परस्त की आवाम है। इंशाल्लाह ताला हक परस्त की आवाम 25 जुलाई का फैसला अपनी हर कॉर्निंग मीटिंग में दे चुकी है, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है तो 25 जुलाई को इसी वक्त इसी टाइम पर हम अपना आप लोगों को बताएंगे कैसा जश्न मनाया जाता है। नारा 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 महाजी।
आपको ये भी बताता चलूं, माजी में हमसे यकीनन कुछ गलतियां तो रही हैं, लेकिन उसका भी आपको पता है कि वो गलतियां क्यों हुई हैं। हम उसकी माजत करके आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं और वादा करते हैं तमाम हक परस्त आपके साथ जो पिछला माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल के सारा काम ऐसा करेंगे आने वाले 5 साल में हमें कारना मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम अपना वोट बांट देते हैं किसी को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसी मुखालफिन के जलसों में रैली बनाए या कुछ बनाए। हम ये निशान सिर्फ और सिर्फ पतंग का हैदराबाद में, कराची में और पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जहां देखेंगे वोट उन्हीं का होगा। उस समय तमाम हक परस्त के एमपी एमएनए जो हैदराबाद से उम्मीदवार हैं वो आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं, यहाँ से लाइट का भी मसला खत्म करेंगे, पानी का भी मसला खत्म करेंगे, सफाई का भी, और तालमी इदारे स्कूल कॉलेजेस हम इतने बनवाएंगे कि मुखालफिन की जबानें बंद हो जाएंगी। हम यहाँ पर पार्क भी बनाएंगे, हम यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनाएंगे। हम सिर्फ वादा नहीं करते, हम वादे निभाने वाले लोग हैं और वादा निभाएंगे। आप लोगों का मैं फिर एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय पाकिस्तान, जय मुत्तहिदा। भाई थे जो वो कह रहे थे कि हक परस्त नुमाइंदे हर वक्त अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम में ही रहते आए हैं। मैं आप लोगों के दरमियान हाइल नहीं होऊंगा। मैं अगले मुकर्रर एनए 227 के हक परस्त उम्मीदवार सलाहुद्दीन भाई से मुल्तमिस कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सलाहुद्दीन भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राबता कमेटी के इंतहाए काबिले इकराम हसीब भाई आज के इस प्रोग्राम में मौजूद असलम भुट्टो भाई, सिराज भाई, टाउन इंचार्जेस राशिद भाई, मुख्तार भाई, टाउन कमेटी के अरकान, यूनिट के जिम्मेदारान और गुलशा बुखारी टाउन के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, रात बहुत हो चुकी है और आप काफी देर से हक परस्तों की आमद का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सुनना चाहते थे। चूंकि ये इलेक्शन की मुहिम जारी है, इलेक्शन के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद करदा उम्मीदवारान और उसके जिम्मेदारान